जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 16 जनवरी शनिवार का दिन, सद्विशा नक्षत्र व्यतिपात योग में आपकी राशि तुला पर राहु और शनि का प्रभाव है। ऐसे में राहु और शनि सद्विशा नक्षत्र में आपके जीवन में बड़ी सफलता, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग बना रहा है। इस समय तुला राशि वालों, सद्विशा नक्षत्र का शनि और राहु कई प्रकार की लाभदायक स्थिति का निर्माण कर रहा है। खुशी भरी परिस्थिति आपकी राशि तुला पर बन रही है, इसलिए पूरे मेहनत से अपने काम पर ध्यान लगाएं। आपके जीवन में ये समय बड़ा परिवर्तन का योग बना रहा है। तुला राशि वालों, बृहस्पति अस्त होने को है, ऐसे में चतुर्थ भाव का बैठा शनि बड़ा बलवान हो गया है। इस समय शनि आपकी राशि तुला के कर्म भाव, नौकरी, कारोबार और पढ़ाई पर अपना पूर्ण अधिकार और दृष्टि दे रहा है। ऐसे में शनि का प्रभाव आज आपके जीवन में आपको प्रभावित करेगा। शनि का प्रभाव जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। शनि का प्रभाव आपको बहुत कुछ देगा। तुला राशि वालों, आज शनिवार का दिन है, राहु और शनि का प्रभाव है, चंद्रमा की छाया है, शुक्र बृहस्पति बुध और केतु की दृष्टि है। तो तुला राशि वालों के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज का दर्शन आपके भाग्य में बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। तुला राशि वालों, आज 16 जनवरी शनिवार का दिन है, सत्विशा नक्षत्र में राहु और शनि की स्थिति आपकी राशि तुला पर बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मजबूत है। तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में इस समय ग्रहों का गोचर कुछ इस प्रकार है। केतु इस समय आपकी राशि तुला के द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके जीवन का धन संपत्ति का भवन होता है। यहीं से आपके जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तो तुला राशि वालों के द्वितीय भाव में केतु का प्रभाव है। वहीं आपकी राशि तुला के तृतीय भाव पराक्रम, शौर्य, धैर्य और साहस के भवन में इस समय शुक्र बैठा है, जिसकी दृष्टि आपकी राशि तुला के भाग्य स्थान नवम भाव पर है। यानी शुक्र अपनी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर बना रहा है। वहीं आपकी राशि तुला के चतुर्थ भाव में शनि, बुध, बृहस्पति और सूर्य का गोचर है। इस समय बृहस्पति अस्त होने को है, ऐसे में शनि बड़ा बलवान हो गया है, क्योंकि शनि को बुध का साथ मिल रहा है। शनि की दृष्टि आपकी राशि तुला के दसवें भाव पर है। नौकरी, कारोबार, पढ़ाई के घर पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, शनि का पूर्ण प्रभाव है। तुला राशि वालों, आज आपकी राशि तुला के पंचमें भाव में चंद्रमा का उदय होगा और आपकी राशि तुला के सातवें भाव में मंगल बैठा है। मंगल की दृष्टि आपकी राशि तुला के लग्न भाव पर है। आपके स्वभाव, आपके ज्ञान विज्ञान पर, स्त्री के सुख पर मंगल का प्रभाव है। वहीं राहु आपकी राशि तुला के अष्टम भाव में बैठकर अचानक लाभ की स्थिति बना रहा है, क्योंकि राहु के ऊपर केतु की दृष्टि है। तो तुला राशि वालों, आपकी कुंडली में धन संपत्ति, पराक्रम, साहस, सुख, स्त्री का सुख है, नौकरी, व्यापार, धन का लाभ, नई उपलब्धि, नया पहचान। तो तुला राशि के जीवन में बड़ा सुंदर सुंदर योग बन रहा है, जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। वैसे भी जब राहु और शनि का प्रभाव तुला राशि के ऊपर ज्यादा होता है तो जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। आप बहुत सारी नई चीजें को सीखते हैं, जीवन में स्थिरता आती है और प्रगति के लिए
ये समय बड़ा शुभ होता है, क्योंकि इस समय आपकी राशि तुला के चतुर्थ भाव में बैठा शनि और आपके राशि तुला के अष्टम भाव में बैठा राहु आपको दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से उन्नति दे रहा है। पर शनि और राहु वैसे लोगों के जीवन में ज्यादा सुख देता है जो इंसान कर्म योगी होता है, क्योंकि कर्म करने से ही इंसान धन कमाता है, कर्म करने से ही इंसान के जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती है। तो तुला राशि वालों, आज सतभिषा नक्षत्र व्यतिपात योग में राहु और शनि का प्रभाव है, इसलिए अपने भाग्य को चमकाने के लिए आप मेहनत के रास्ते पर आगे बढ़ें। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आज आपकी राशि तुला पर अवश्य रहेगी, क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव है, सतभिषा नक्षत्र है। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशिफल जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज 16 जनवरी शनिवार का दिन, पौष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, सतभिषा नक्षत्र व्यतिपात योग, आपकी राशि तुला पर राहु और शनि का प्रभाव, चंद्रमा की छाया है, शुक्र बृहस्पति बुध और केतु की दृष्टि है। आज आपके लिए शुभ मुहूर्त दोपहर 12:10 से शाम 7:08 तक का होगा। आज का राहु काल सुबह 9:53 से 11:12 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। तुला राशि वालों, आज सतभिषा नक्षत्र है, तृतीया तिथि है, राहु और शनि का प्रभाव है, व्यतिपात योग है, शुक्र बृहस्पति बुध केतु की दृष्टि है, तो दिन की शुरुआत पूरब दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, आपका लक्की नंबर 7 होगा। तो तुला राशि वालों, आज ग्रहों का प्रभाव आपके भाग्य में बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। आज ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में बहुमुखी प्रतिभा का विकास कर रहा है। जीवन का सुख, अपने शक्ति के बल पर धन कमाना, अच्छा चरित्र, शुद्ध आचरण, आज आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर आप थोड़ा मेहनत कर लें, थोड़ा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ले आए, तो आपके द्वारा किया गया कार्य बड़ी सफलता और कामयाबी देगा। आज आपके कार्य क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव आएंगे, आपको अच्छा परिणाम देने वाला सुंदर योग बन रहा है। आज शनि और राहु के कारण आपके भाग्य में बहुत संभावना दिखाई दे रही है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आने वाला समय में कार्य क्षेत्र में बड़ा उन्नति देगा। तुला राशि वालों, नौकरी व्यापार करने वालों, पढ़ाई करने वाले लोग मेहनत करते हुए अपने अच्छे परिणाम को आप अवश्य पाएंगे, इसलिए आज जल्दीबाजी में कोई काम ना करें, सोच समझकर किसी भी निर्णय को करें। आज का दिन आपकी कामना की पूर्ति होगी, सुखों का आनंद मिलेगा, सुख सुविधा बढ़ेगा। तुला राशि वालों, आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल है, जो आपके जीवन में दाम्पत्य का सुख, करियर में नई ऊंचाई, बड़ी सफलता, कामयाबी, धन संपत्ति सब कुछ देगा। आज आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आज राहु और शनि अच्छी स्थिति में हैं। राहु आपकी राशि तुला के अष्टम भाव में बैठा है, जबकि शनि सुख भाव का स्वामी बना बैठा है। ऐसे में जीवन में सुख भी मिलेगा, आपके आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और अपने आत्मविश्वास से आप बड़े परिणाम अवश्य पाएंगे। तुला राशि वालों, आज आप खुश भी रहेंगे, मेहनत भी करेंगे, साथ ही साथ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हर तरफ स्थिति आपके अनुकूल होगी। बड़ी सफलता और कामयाबी के लिए अपने जीवन में थोड़ा बदलाव लाएं, थोड़ा मेहनत से काम करना सीखें, आप जीवन में अवश्य सफल होंगे। ये जो समय है, हर प्रकार की तरक्की उन्नति आपको देखने को मिलेगी। शनि और राहु के कारण आज सौभाग्य आपको भाग्यशाली बनाएगा, खास करके शनि के कारण आज आप भाग्यशाली बनेंगे। अपनी ताकत, अपने साहस, अपने परिश्रम के बल पर
बड़ी उपलब्धि और तरक्की पाएंगे। आज आप अपने बहुत सारे सपनों को साकार करेंगे। आज का जो दिन है संघर्ष की स्थिति को समाप्त कर रहा है। धैर्य बनाकर रखें, ये समय कोई जबरदस्त लाभ होने का सुंदर संकेत दे रहा है। आपकी समस्याओं का निराकरण होगा और तुला राशि वालों के लिए धन का लाभ होगा। आज हर काम में आपको मन लगेगा क्योंकि शुभ समय अच्छा योग अच्छे संकेत दे रहे हैं। ये दिन आपको आशा के अनुसार सफलता और कामयाबी देगा, तो आप मेहनत करते रहें, आपके भाग्य में तरक्की होती चली जाएगी। तुला राशि वालों, सतविशा नक्षत्र में जब राहु और शनि बड़ा बलवान होता है, ऐसे में आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती है। आप अपने जीवन में अपने मेहनत से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। आपके जीवन में आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है जो सफलता का संकेत दे रहा है। नौकरी व्यापार में आपके काम की प्रशंसा होगी, आप खूब अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। वहीं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन सफलता और उन्नति के लिए शुभ है। तो अपने जीवन की निराशा को दूर करके आप मेहनत करते जाएं, आपके जीवन में आपको सब कुछ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा जो आपके जीवन की तस्वीर को बदल कर रख देगा। तुला राशि वालों, आज आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन का योग है। ऐसे परिवर्तन आपके भाग्य को चमकाते हैं। सुख समृद्धि के लिए आज का दिन शुभ है क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव है, शुक्र बृहस्पति बुध और केतु की छाया है जो आपके जीवन में समस्त प्रकार का सुख समृद्धि सौभाग्य देगा। तुला राशि वालों, आज आप मेहनत के बल पर अच्छा परिणाम पाएंगे। जब ग्रहों की दशा शुभ होती है तो आपके जीवन से कष्ट बाधा अपने आप खत्म हो जाता है। वैसे भी आज राहु आपकी राशि तुला के अष्टम भाव में बैठकर आपको अपने कष्टों से मुक्ति दिला रहा है। आपका मेहनत हर कठिनाई पर विजय प्राप्त करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में शुभ और मांगलिक कार्य होंगे, आपके हाथों से अच्छे अच्छे काम होंगे। तो तुला राशि वालों, शनिवार का दिन है, हनुमान जी महाराज का दर्शन अवश्य करें। हनुमान जी का दर्शन, हनुमान जी की पूजा आपके जीवन में सौभाग्य और धन को बढ़ाता है। आज आप पीपल पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, साथ ही साथ शनि देव महाराज का दर्शन करें और किसी हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को पान का पत्ता चढ़ाएं। आपके जीवन से समस्त कष्ट विघ्न बाधा दूर होगी। हनुमान जी का आशीर्वाद आपके भाग्य को बदलेगा, आपके जीवन में अच्छे परिणाम देगा। तो तुला राशि वालों, सतविशा नक्षत्र व्यतिपात योग में राहु और शनि का प्रभाव, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके भाग्य को बदलेगा, आपके जीवन में सुख संपत्ति सौभाग्य देगा, मन चिंता मुक्त होगा, धन धान से परिपूर्ण आज का दिन होगा। आप सफलता और कामयाबी पाएंगे, अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करेंगे। आपका दाम्पत्य जीवन भी सुंदर होगा, प्यार का सुखद एहसास, पारिवारिक जीवन में सुख बढ़ेगा। आज ग्रहों की दशा आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा जिससे आपके जीवन में भाग्य वृद्धि होगी, सुखों का आनंद उठाएंगे, अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। ये समय आपके जीवन में बड़ा उन्नति का योग लाया है, कार्य सिद्ध होगा और आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो तुला राशि वालों, 16 जनवरी शनिवार का दिन, सतविशा नक्षत्र व्यतिपात योग में राहु शनि का प्रभाव आपके भाग्य को चमकाएगा, आपको अच्छा लाभ देगा। तो आज मेहनत करते जाएं, आपके जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होने के शुभ संकेत मिल रहे हैं। आपकी कामना मनोकामना पूर्ण होगी, हनुमान जी का आशीर्वाद बड़ा लाभ और उन्नति देगा। तो तुला राशि वालों, राशिफल जानने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें।
अपने राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, संकट से रक्षा करो। हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।